अंदर आ चुके हैं और अब अंदर का पूरा सीन आपको दिखाएंगे, ठीक है। से अगर नहीं होता है तो चेक कर लीजिए। ये हमारे सर हैं, पहले यहाँ पे चेक होता है, उसके बाद एंट्री आपको मिलेगी। वैसे यहाँ पे सर का पूरा देखिए इस तरह से, हमारे पीछे अभी यहाँ पे आए हुए हैं बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, सब बड़े बड़े आदमी सब, यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पुख्ता प्रबंध किया गया है चेक का। और यहाँ पे काफ़ी तीन चार जगह चेक होता है, चार जगह चेक होने के बाद जो है फाइनली जानकारी दे देता हूँ। ये भागलपुर जो है, भागलपुर बिहार में, ये कुपाघाट में से महसन आश्रम है और ये जो है आश्रम गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये आश्रम काफ़ी, इस आश्रम में यहाँ पे एक प्राचीन गुफा भी है, यहाँ पे इस गुफा में वो अपना ध्यान किए थे और फिर ये उनका जो उत्तराधिकारी थे उसे भी संत जी, वो संत महाराज जी वो इनके बाद उत्तराधिकारी बने थे। तो इस स्थान को एक तरह से पर्यटन के लिए या कह सकते हैं स्थान बना, उसके बाद जो है ये प्रॉपर आदमी यहाँ पे आने लगा। एक तरह से संत मंत्र के अनुसार ये जो है महसे आश्रम एक संत का केंद्र बन गया, केंद्र बिंदु बन गया। और ये जो केंद्र बिंदु है ये पूरे बिहार का एक संत मत का केंद्र है, मुख्यालय है, एक तरह से कह सकते हैं वो मुख्यालय है। तो यहाँ से जो भी आते हैं यहाँ पे आकर के उस सारा चीज़ को बढ़िया से आता है, घूमता है, घूमने का बहुत ही अच्छा जगह है, मुख्य केंद्र है ये संत मत का। आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी संत मत यहाँ पे आए हुए हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, साथ में इतना सारा व्यवस्था है आप देख सकते हैं। तो मैं इसके बारे में और भी विस्तार से जानकारी आपको दूंगा और फिलहाल अंदर भी जाएंगे सब जगह का आपको सीन यहाँ से कवर, यहाँ पे भोजनालय कहाँ बन रहा है, यहाँ पे गुफा कहाँ पे है, यहाँ सतमन का बेहतरी का आश्रम जो है उसके बारे में भी बताएंगे काफ़ी। तो अभी फिलहाल कुछ कहना चाहिएगा सर? तो इनका कहना है कि गुरु दरबार में सेवा ही प्रथम कर्म है, तो यहाँ पे सेवा करना चाहिए और करते हैं। संघ करेगा तो या पुलिस अपना कार्रवाई सख्त कर सकता है। आरएसएस के जो है मोहन भागवत जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, आरएसएस का लीडर हैं, उनके साथ आए हुए हैं। और एक दूसरे से सर चेक कर लीजिए हमको भी, यहाँ पे देखिए चेक करते हैं एकदम बढ़िया से, चेक करते हैं, उसके बाद जो है अंदर एंट्री मिलता है, मुश्किल से एंट्री मिलता है। ये सबको इन्फॉर्मेशन नहीं है एंट्री देने का और एंट्री सब आदमी यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी, देख सकते हैं यहाँ पे पहले चप्पल जूता उतारा जाएगा पहले, उसके बाद दोस्तों ये मौका मिला है। ये रोड गार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी नजदीक से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हमारे भागलपुर राजेश्वर आपको नजदीक से दिखा रहे हैं। जो बोलिएगा वो सब रिकॉर्ड होगा। माइक यहाँ लगा उनका चल रहा है। कभी
यहाँ पे आप देख रहे हैं आरएसएस के अध्यक्ष श्री भागवत जी को, आप यहाँ पे भाषण सुने और यहाँ पे हम मशक्कत के बाद यहाँ पे आने का मौका मिला था। आपको ये जो सीन दिखा रहे हैं काफ़ी रोमांचक और शायद आपको पहले कभी नहीं दिखा है। धीरे धीरे सब आदमी यहाँ से जाने लगे हैं। ये समापन हुआ ये चीज़ का, अभिभाषण का, और अभी फिर मैं इसके बाद का सीन आपको साझा करूँगा आपके साथ। फाइनली हम यहाँ पे आए थे और दिखाए आपको भाषण, और फिर हम यहाँ का जो भी चीज़ बना हुआ है मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को भी आपके साथ शेयर करने का। तो दोस्तों, ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप जिस जगह अभी हम हैं, सत्संग भवन कह सकते हैं आप यहाँ पे, वो एरिया है ये, और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी अद्भुत यहाँ पे है। चप्पल उतार करके सत्संग भवन में जाते हैं और मैंने अपना जूता यहाँ उतार रखा है। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल पहले अपना जूता जो उतारे हुए उसको पहन लेते हैं, फिर हम आपको यहाँ का और भी सीन आपके साथ शेयर करेंगे। मात्रा में भीड़ आए हुए थे यहाँ पे, भीड़ का भी आनंद लिए होंगे। तो ये महसी नहीं श्री संत महाराज के धर समाधि स्थल, इधर भी आपको हम दिखा रहे हैं सामने से। ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, सब आदमी को आज नहीं इधर घूमने का मौका मिलेगा, और अंदिम ये खुला रहता है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सब चीज़ को यहाँ पे बनाया गया है, बहुत ही साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये महर्षि में ही संत महाराज के जो उत्तराधिकारी थे सेकेंड गुरु, उनका ये है समाधि। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे वो एरिया है ये, जहाँ पे महर्षि में ही संत महाराज का यहाँ पे समाधि स्थान, ये स्थल है। अंदर देख सकते हैं, देख रहे हैं संत महाराज ये आए थे दर्शन करने के लिए। गार्डन बनाया गया है, ये एरिया भी पब्लिक के लिए खुलता है, घूमने का मौका भी मिलता है। और पूरा आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत ही उत्तम व्यवस्था किया गया है इसमें। गार्डन को विशेष तौर पर पेड़ पौधे को लगाने के बाद काफ़ी शांति फील होता है, काफ़ी सुरक्षा का उत्तम व्यवस्था किया गया है। सेवा करके को यहाँ मैंने दिखाने का प्रयास किया, आप इधर का हम उस दृश्य आपके सामने साझा करूँगा। गुफा है और यहाँ पे यहाँ के बारे में हम बता चुके हैं, और फिर ये एरिया है और न्यू में जो बना है श्री सतगुरु निवास, वो न्यू बना है। इससे पहले बनने से पहले भी हम आपको यहाँ पे यहाँ का दृश्य दिखाए थे और जिसमें वो बन रहा था, तो फिर हम उसके नज़दीक भी जाएंगे और वहाँ के बारे में हम देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। जिस समय बन रहा था उस समय का हम सीन आपको दिखाए थे, सेकेंड आपको अभी पूर्णतः बन करके ये तैयार हो चुका है, काफ़ी इनका उद्घाटन आज होना था, ये बना है और बहुत ही भव्य एकदम जो कहते हैं अद्भुत वैसा दृश्य आपके सामने ये दिख रहा होगा। करके आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, देख सकते हैं कितना सुंदर है। यहाँ सभी श्रद्धालु आए हुए हैं, अब ऊपर का देखिए डिज़ाइन कितना बेहतरीन से झूमर लगाया। आप जो है यहाँ पे जब आते हैं तो काफ़ी को शांति महसूस होगा, और साथ में ये गंगा नदी के किनारे बना हुआ, आपको पता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी गंगा नदी इस जो जिस जगह भी हम हैं इस जगह से काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक मतलब जिसको कह सकते हैं गंगा नदी के तट पे, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर देखिए, ये रहा गंगा जी, बिहार का पवित्र नदी, पूरे देश का पवित्र नदी गंगा को माना जाता है, ये गंगा नदी होंगे और यहाँ से इनका मंडी है, देख सकते हैं। अभी आम पब्लिक के लिए भी ये द्वार खोल दिया गया है, यहाँ पे आते हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ और दर्शक यहाँ आते हैं। महाराज जी का ये वाणी है लिखा हुआ कुछ ऊपर, वो हम यहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे।
उनका ये यहाँ से एक तरह से सांस्कृतिक विरासत में मिला हुआ ये है। मैंने आपको यहाँ पे अंदर भी सीन दिखाने का प्रयास किया और फिर हम अभी और भी जगह है कुछ देखने का, जैसे कि भंडारा है लगा हुआ उधर उस एरिया में, उधर भी हम जाने का प्रयास करेंगे। आज भर जो है यहाँ पे काफ़ी पुलिस फोर्स है, सुरक्षा के लिए सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना प्रशासन का लगा है। यहाँ मोहन भागवत जी आए हुए थे, उनके सुरक्षा में कड़ी प्रबंध यहाँ पे किए गए थे। और अभी आप देख सकते हैं अभी फिलहाल हम आपको उस साइड ले जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम आपको भंडारा व्यवस्था किया गया है, वहाँ पे हम आपको घुमाने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी दिलचस्प रहेगा ये, ऐसा माहौल आपको फिर कभी शायद यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यहाँ गाड़ी पार्किंग का, यहाँ गाड़ी पार्किंग का जो है देखिए पीछे मेरे पीछे गाड़ी पार्किंग का खास करके विशेष यहाँ पे जो भी है अधिकारी लोग उधर पार्किंग करते हैं। और इधर से भी आने का रास्ता, एक रास्ता इधर से है और दूसरा रास्ता इधर से इस साइड से, और इधर इधर को भी रास्ता है जाने के लिए जाएंगे। इधर भंडारा भवन है, यहाँ खाने पीने का भी व्यवस्था है, देख सकते हैं भोजनालय, काफ़ी भीड़ व्यवस्था किया गया है। और हमेशा भंडारा ये भोजनालय जो है होते रहता है, जितने भी हैं प्रशासन वो लोग भी यहाँ पे खाते हैं। एक तरह से कहिए कि समस्त जितने भी आदमी हैं जो भी यहाँ पे शामिल हुए हैं सभी के लिए भंडारा निःशुल्क है। यहाँ पे जो भी आते हैं वो अपना भोजन यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे होंगे वो भवन बनाया गया है और भवन में जो है आदमी बैठते हैं वहाँ पे खाते हैं। अभी वहाँ पे भीड़ होगा, यही बोले ना सर। प्लेट रखा जाता है, जो खा लेता है यहाँ पे रख देता है, और जिनको खाना है यहाँ से प्लेट उठाते हैं उनको देते हैं। फिर देखिए जैसे कि देखिए भैया लिए यहाँ पे उठाएंगे, फिर यहाँ पे खाएंगे, फिर खाने जैसे अंकल खा लिए हैं तो ये पहले यहाँ पे प्लेट धो करके फिर जो है इस डब्बा में ये बॉक्स में रख दिया जाता है। तो काफ़ी एक सिस्टमेटिक तरीका से जो है पब्लिक को यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। देखिए सर के प्लेट में कितना सारा चीज़, और भी बहुत चीज़ है। आप यहाँ के स्टाफ है ना जी? तो क्या क्या सब अपने अभी पूरी दुनिया रसगुल्ला सारे आइटम है, खाने के समय देता है। अब पब्लिक इतना आगे समय देता नहीं है, नहीं दे पाते हैं। और वहाँ लाइन से बैठा के सारा देता है, सारा चीज़ है, पर आदमी का भाव एक्चुअली है क्या, इन लोग सुरक्षा कर्मी है, इन लोग के खिलाफ चल जा रहे पहले और कोई पुष्टि नहीं इसका, उसी बात और जनता भी इसमें लग गया। जाएंगे यहाँ पे इतना सारा भीड़ था, इतना सारा आदमी भोजन करते हैं, निःशुल्क भोजन, कोई शुल्क नहीं है। भोजनालय का उत्तम व्यवस्था किया गया है, स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है, तो आप यहाँ पे आकर के भोजन कर सकते हैं। ये एरिया आपको भोजन भोजनालय का ये एरिया है, यहाँ पे जो भी आते हैं श्रद्धालु घूमने के लिए उनको यहाँ पे भोजन निःशुल्क मिलता है। तो आप अगर आते हैं यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे आप भोजन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे भोजनालय दिखाने का प्रयास किया और फिर हम अभी फिलहाल पूरा कवर कर चुके हैं यहाँ का जो भी जगह है, अभी सब साझा करते हैं। ये जो एरिया देखते हैं ये है निवास, जो भी आते हैं बाहर से वो यहाँ पे ठहरते हैं, ठहरने का काफ़ी व्यवस्था है। अच्छा ये एरिया काफ़ी सुरक्षित है और साफ़ सुथरा, काफ़ी विशेष करके ध्यान यहाँ पे रखा गया। इस एरिया में जो है रहने का जो है यहाँ पे जो भी आते हैं बाहर से वो बाहर पे जो भी इसका नियम है उसको फिल करके यहाँ पे जमा करना पड़ता होगा, पेपर वगैरह आईडी कार्ड वगैरह सारा चीज़ यहाँ जमा करने के बाद इसमें ठहरने का उसे मिलता है मौका। तो अगर आप बाहर से आते हैं तो यहाँ ठहरने का भी है, आप ठहर सकते हैं। आपके साथ साझा किए और उधर का भी भोजनालय का व्यवस्था का जो भी है वो दिखाए, और जहाँ पे अभी भाषण अभिवादन हो रहा था वहाँ का भी, वहाँ पे पहले यहाँ पे सत्संग का खास करके विशेष वहाँ पे होता है सत्संग सुबह शाम जब भी उनका टाइम पीरियड है उसमें होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सब चीज़ दिखाने का प्रयास किया, अभी फिर हम फिलहाल जा रहे हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एरिया, ये रोड जिधर से मैं आ रहा हूँ इधर काफ़ी श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं साइड से, क्योंकि उनको पास नहीं मिला था, क्योंकि जो आदमी के पास पास नहीं था वो आदमी को अंदर जाने जाना सख्त मना था, चेक किया जाता था आधार कार्ड वगैरह सारा चीज़ अंदर जाने के लिए, काफ़ी पुलिस फोर्स चेक होता था, उसके बाद अंदर जाने का परमिशन मिलता था।
तो आपको हम वो भी सीन दिखाए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको वहाँ अंदर का सीन दिखाए। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। उम्मीद करूँगा ये आपको पसंद आया होगा। ये पूरा रहा कुप्पाघाट का वीडियो आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।